हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सत्यम बात्रू और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल फोटोग्राफी विद सत्यम। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपनी यूट्यूब की वीडियो के लिए थंबनेल कैसे बनाएं। तो सबसे पहले आप अपने पीसी में पीएस को ओपन कर लें, फिर क्रिएट न्यू पर क्लिक करके विड्थ में 16 और हाइट को 9 इंच रखकर क्रिएट न्यू पर क्लिक कर दें। तो अब हमारे YouTube के थंबनेल की साइज बन चुकी है। तो अब इस बैकग्राउंड पर हमें कोई भी दूसरा बैकग्राउंड रखना है, तो इसके लिए हम अपने क्रोम ब्राउज़र या कहीं से भी डाउनलोड करके बैकग्राउंड को PS में ओपन करेंगे और फिर इस बैकग्राउंड को उस वाली साइज पर कॉपी कर देंगे और अच्छी तरह से फिट कर लेंगे। और फिर लेयर पर सिलेक्ट करके इस इमेज को फ्लैट इमेज पर क्लिक कर देंगे, जिससे हमारा ये बैकग्राउंड हिले ना। फिर आपको तो अपने थंबनेल में लगाने के लिए कोई फ़ोटो चाहिए होगी, तो आप कोई भी फ़ोटो क्लिक कर कर PS में ओपन कर लें। तो फ़ोटो ओपन हो जाने के बाद हमें अपनी फ़ोटो को PNG फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आप सिलेक्ट पर क्लिक करके सब्जेक्ट पर क्लिक कर दें, जिससे ये सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा। और यदि यह अच्छी तरह से सिलेक्ट ना करे तो आपको एक सिलेक्शन टूल की मदद से अच्छी तरह से सिलेक्ट कर लें। और फिर आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल एक्स प्रेस करें और उस बैकग्राउंड पर जाकर कंट्रोल भी प्रेस कर दें। और अब हम इस फोटो में लाइट वगैरह एडजस्ट कर लेंगे, तो इसके लिए आप कंट्रोल एल प्रेस करके लाइट को अच्छी तरह से बढ़ा लें। तो अब हम इस फोटो में कलर करेक्शन करेंगे, तो इसके लिए आप कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए प्रेस करें, इससे एक पैनल ओपन हो जाएगा जिसमें आप एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, कलर ग्रेडिंग सब कर सकते हैं। तो इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। और फिर एडजस्ट और कलर ग्रेडिंग हो जाने के बाद ओके पर क्लिक कर दें। तो अब हम इस फोटो में फेस को रिटच करेंगे, तो इसके लिए आप अपने फेस को सिलेक्ट कर लें और अपने आईज और नोज को डीसेलेक्ट कर दें। और सिलेक्ट हो जाने के बाद हम अपने कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए प्रेस करेंगे और टेक्सचर और क्लियरिटी को कम कर देंगे। तो अब हमारी फ़ोटो रीटच हो चुकी है। तो अब इस फोटो में से हमें फ़ोन को रिमूव करना है, तो इसके लिए आप फोन को सिलेक्ट कर लें और डिलीट पर क्लिक कर दें। तो अब हमें इस फ़ोटो में न्यू फ़ोन चाहिए हुआ तो आप कहीं से भी डाउनलोड करके इस फ़ोन को PS में ओपन करके उस बैकग्राउंड पर कॉपी कर दें। और ये JPG फॉर्मेट है, तो PNG फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर देंगे और अच्छी तरह से हाथों में फिट कर लें। और फिर आपको फ़ोन के अंदर जो भी इमेज शो करनी है, तो उसको आप अपने PS में ओपन कर लें और एक नई लेयर क्रिएट कर कर उस पर पेस्ट कर दें और अच्छी तरह से फिट कर लें। और अच्छी तरह से फिट हो जाने के बाद हम अपने फ़ोन वाली लेयर को ऊपर कर देंगे और फ़ोन के बाहर वाले पार्ट को इरेज टूल की सहायता से रिमूव कर देंगे। और ये सब हो जाने के बाद हम अपने बैकग्राउंड को छोड़कर सभी लेयर को सिलेक्ट कर मर्ज कर देंगे, जिससे ये सभी लेयर एक फ़ोटो में कन्वर्ट हो जाएं या एक लेयर में बन जाए। तो अब हमें अपनी फ़ोटो में बॉर्डर देना है, तो इसके लिए आप एडिट पर क्लिक करके स्ट्रोक पर क्लिक करके अच्छी तरह से अपने हिसाब से बॉर्डर दे दें और फिर अपनी फ़ोटो को बैकग्राउंड में अच्छी तरह से फिट कर दें। और फिर टेक्स्ट टूल पर क्लिक करके इस फोटो पर कोई भी टेक्स्ट लिख दें जो आपको थंबनेल में लिखना है। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ हाउ टू इंक्रीज, और टेक्स्ट को अच्छी तरह से फिट कर लें। तो अब हम टेक्स्ट को हाईलाइट करेंगे, तो इसके लिए हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और उस रेक्टेंगल में ऐसा कलर फिल करेंगे जिससे हमारा टेक्स्ट अच्छी तरह से शो हो, और इसे भी अच्छी तरह से फिट कर लेंगे। तो अब हम अपने टेक्स्ट में बॉर्डर डालेंगे, तो इसके लिए आप लेयर पर क्लिक कर लेयर स्टाइल पर क्लिक कर दें और स्ट्रोक को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें
और कलर को भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। तो अब हम टेक्स्ट की एक नई लेयर क्रिएट करेंगे और उस पर टाइप करेंगे मोबाइल स्पीड और इसे भी अच्छे तरीके से एडजस्ट कर देंगे। तो अब हम इस टेक्स्ट के कलर को चेंज करेंगे और अब इस टेक्स्ट में भी बॉर्डर डालेंगे। और फिर इसे भी अच्छी तरह से एडजस्ट कर लें। और अब हम फिर से टेक्स्ट टूल का प्रयोग करके कुछ टाइप करेंगे और इस टेक्स्ट के कलर को भी हम चेंज कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से फिट कर देंगे। तो अब हम इस थंबनेल में कुछ और फोटोज ऐड करेंगे। तो इसे आप पीएस में ओपन कर लें और थंबनेल वाले बैकग्राउंड पर पेस्ट कर दें और फोटो के बैकग्राउंड को रिमूव कर दें और सभी को अच्छी तरह से एडजस्ट कर लें। तो अब इसमें हम कुछ और फोटो ऐड करेंगे। तो उसके लिए आप फोटो को पीएस में ओपन कर लें और कॉपी कर उस बैकग्राउंड पर पेस्ट कर दें और इसके बैकग्राउंड को अच्छे तरीके से रिमूव कर दें। और बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद हम इस फोटो में बॉर्डर ऐड करेंगे। तो बॉर्डर को ऐड कर लें और दूसरी फोटो को भी इस पर पेस्ट करके उसके बैकग्राउंड को भी रिमूव कर उस पर बॉर्डर दे दें और इन सभी को अच्छी तरह से एडजस्ट कर दें। तो अब इसमें हम एक एरो ऐड करेंगे। तो इसके लिए आप एरो को डाउनलोड करके उस बैकग्राउंड पर पेस्ट कर दें और इसके कलर को चेंज कर दें और अच्छे तरीके से फिट कर दें और अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लें। तो अब इन सभी लेयर को हम फ्लैट कर देंगे और एक नई लेयर क्रिएट कर उस पर बैकग्राउंड को कॉपी कर देंगे और हम पहले वाले लेयर को सिलेक्ट कर कंट्रोल ए प्रेस कर उसके कलर को चेंज कर देंगे और दूसरी वाली लेयर को सिलेक्ट करके उसकी साइज को थोड़ा छोटा कर देंगे। तो हमारा थंबनेल तैयार हो चुका है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।